कि जब देवी देवता पूजा खाते खाते मोटे हो जाते हैं, पूजा खाते खाते पगला जाते हैं, उनका दिमाग खराब होने लगता है, होता है प्रायः वो देवता क्या मनुष्य सबकी यही बात है। किसी को कोई ज्यादा पूजने लगे तो अपने आप को भगवान मानने लगता है, तब उसको लगता है कि नहीं अब मैं भगवान हो गया बस। और जैसे ही भगवान बनने का प्रयास करता है, वो जिस दिन विचार करता है कि हम भगवान हो गए, उसी दिन दूसरे दिन भगवान उठा के पटकनी मारते हैं उसको धड़ाम से मुझे। तो ये परंपरा चली आ रही है, ये आज की बात नहीं है। और भगवान मानने वालों की संख्या इस दुनिया में कम भी नहीं है। भगवान मानने वालों की संख्या कम भी नहीं है। अब ये जान लो कि आज भी बहुत लोग भगवान को गाली देते हैं, बहुत लोग भगवान की निंदा करते हैं, बहुत लोग भगवान को नहीं मानते। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। जब स्वयं भगवान यहां प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रहे थे, उस समय भगवान के सामने खड़ा होकर के शिशुपाल 100 गाली दिया है। सामने खड़ा होकर के 100 गाली दिया है। जब भगवान यहां थे तब पौंड्रक स्वयं भगवान द्वारिकाधीश को कहा था कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, इसलिए इस जगत में एक ही भगवान हो सकता है, इसलिए मैं भगवान हूं, तुम राज्य छोड़ करके भाग जाओ यहां से। भगवान बोले रुक रुक आ रहे हैं, रुक आते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं भगवान जब थे तब होती थी। तो आज आप भगवान को नहीं मानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज भगवान की बातों को नहीं सुनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज भगवान की आप पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। जब बेन राजा बना, राजा बनते ही फरमान जारी किया, क्या कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई साधु सेवा नहीं करेगा, कोई यज्ञ भंडारा नहीं करेगा, ये सब काम हमारे राज्य में एकदम प्रतिबंधित, कोई नहीं कर सकता है, खुलेआम चैलेंज देता था। वो समय था कि लोग कांपते थे, छुप के भी भगवान का नाम लेने से डरते थे। उस समय विरोध करने वालों की कोई कमी नहीं थी, खूब विरोध हुआ, जमकर के विरोध हुआ। तो आज कोई विरोध कर रहा है तो इसको कौन सी बड़ी बात है, बताओ, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए भक्तों से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि वो भक्ति में लगे हैं तो भक्ति में लगे रहे, किसी के भी बहकावे में ना आए, पहली बात। और दूसरी बात, आप इस संसार में कुछ भी कर लीजिए, आपका कल्याण केवल और केवल भगवान नाम जप से ही संभव है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये आप एकदम कुछ बात मानना या मत मानना, लेकिन इस बात को गांठ बांध लेना कि बिना हरिनाम जप से आपका कल्याण संभव नहीं है। आप लाख नहीं कोटि उपाय कर लीजिए, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल, गोस्वामी तुलसीदास जी के। अब बताओ और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, दुख तब होता है जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी उसके पास पॉपुलरिटी हो जाती है, उसको 1-2 लाख लोग सुनने लगते हैं, तो वो शास्त्र को छोड़ करके अपना नियम बखानने लगता है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, वो अपना नियम बताने लगता है। अभी देखो आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि संख्या से नाम जप नहीं करना चाहिए, आप सुनते होंगे मोबाइल वगैरह,
ना ना वो गिने नाम जप करते हो बहनों, कि गिने नाम जप करा जाना था। तो क्या हमारे आचार्य जो गौड़ीय परंपरा के आए हैं वो क्यों गाए? संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन परो, मतलब वो पागल थे जिन्होंने भगवत प्राप्ति की इस नाम का आश्रय लेकर के। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 लाख नाम जप करते थे, 3 लाख नाम जप करते थे रोज डेली। अब सोच लो 17-18 घंटा केवल नाम जप किया करते थे, क्या उनके जीवन में और कोई काम नहीं था? आप 18 घंटा, यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो 18 घंटा काम करता हो अपने परिवार के लिए, कोई है? कोई भी नहीं है जो 18 घंटा अपने परिवार के लिए काम करता हो, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी 18 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए हरि नाम जप करते थे। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। आप नाम जप करेंगे, अभी शायद मैं पिछली कथा में मैं शायद ये बोला था, यदि आप इस बात को ध्यान से सुनना, लोग विश्वास तो नहीं करते लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं और यही हकीकत है। अभी नहीं समझ में आएगा तो मरते वक्त समझ में आएगा, अभी ना समझ में आए लेकिन मरते वक्त समझ में आएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार में सुख और शांति लाना चाहते हैं, तो आपको हरि नाम जप करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि माला जपने से हमारे घर में भोजन पानी चल जाएगा? सुदामा कोई नौकरी करते थे क्या? हमारे ब्रज के संतों, देखो भजन करने से हवाई जहाज नहीं मिलेगी, एसी नहीं मिलेगा, भजन करने से मालदा में, बंगाल में, उधर घर गांव में खूब जमीन हो जाएगी, 4-6 फ्लैट हो जाएंगे, बड़े आदमी हो जाएंगे, ये नहीं होगा भजन से। ये मत सोचना कि आप भजन करेंगे तो 4-5 4-व्हीलर हो जाएगी, हवाई जहाज आ जाएगी, आपका पर्सनल चार्टर्ड हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। लेकिन केवल भजन करने वाले व्यक्ति को रहने खाने की कोई कमी उसको नहीं होगी। एक भक्त को, एक वैष्णव को क्या चाहिए? आप कभी जाना गोवर्धन में, हमारे वृंदावन जाना गोवर्धन में, बहुत सारी कुटिया बनी हुई है, एक एक कमरे की ऐसे कुटिया बनी हुई है, उसमें संत महात्मा रहते हैं, नित्य गिरिराज्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी कुटिया में रहते हैं, बनाते खाते हैं, नहीं तो कहीं चलते हुए मांग करके कहीं खा लिए, परिक्रमा कर रहे हैं। उनका शरीर शांत हो जाता है, उस कुटिया में कोई दूसरा साधु आकर के रहने लगता है, फिर वो जब तक रहता है तब तक रहता है, छोड़ के कहीं चला जाता है, फिर दूसरा साधु आकर के उसमें रहने लगता है। कोई रजिस्ट्री नहीं है, किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री नहीं है। एक साधु को मैं सच बताऊं, रूप गोस्वामी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि भक्त को कुछ नहीं चाहिए, और जीव गोस्वामी ने तो बहुत स्पष्ट लिख दिया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। अन्य अभिलाष आपको रहेगा ही नहीं। आप जानते हैं कि कहीं आप जाते होंगे, चाहे अब कहीं तीर्थ में जाते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कटोरा लेकर के गाड़ी के पीछे दौड़ते, बाबा बाबा 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, सेठ जी गाड़ी में बैठते हैं चले जाते हैं। देखा आप लोगों ने? देखा
एक व्यक्ति कटोरा लेकर के गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, एक रुपया दे दो, एक रुपया दे दो, एक रुपया दे दो, क्यों? उसको एक रुपया नहीं मिलता है। सेठ जी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। एक व्यक्ति केवल हरिनाम जप कर रहा है जंगल के एक कोने में बैठ करके। बड़े बड़े सेठ महाजन जाकर के चरणों में माथा पटक देते हैं, महाराज क्या चाहिए? कहो तो वाटर कूलर लगवा दे, कहो तो गाड़ी खरीद दे, कहो तो तुम्हारा आश्रम बनवा दे, क्या चाहिए आपको बोलो। ये क्या है? एक व्यक्ति भजन नहीं करता, सेठ जी के पीछे पीछे दौड़ता है। एक व्यक्ति भजन करता है, सेठ जी उसके चरणों में आकर के दंडवती करते हैं। दंडवती करते हैं। इसलिए अगर आपकी मनोकामना प्रबल है कि हमको हवाई जहाज से उड़ना है, हमको एसी वाला कमरा चाहिए, हमको बढ़िया लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो पैसा कमाओ। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, तब जाकर के कहीं दुकान खोल लो, कहीं सब्जी की दुकान लगाओ, कहीं कोई काम करो, फ्लाइट से चलना, एसी कमरा बनवाना, फोर व्हीलर गाड़ी खरीदना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सोचोगे कि हम भजन करेंगे तो ये सब मिल जाएगा, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। भजन से आपको गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं मिलेगा, भजन से मेरे गोविंद मिलेंगे। गोविंद को पाना चाहते हो तो भजन करो, और संसार के सुखों को पाना चाहते हो तो पैसे कमाओ। इसलिए ये जीवन में कामना मत करना कि हम भजन करेंगे तो हमारे पास संपत्ति आएगी, ना, भजन करने से विपत्ति आती है। और एक बात और बोलेंगे, जितने यहां सेठ महाजन बैठे हैं ना, जो पैसे वाले बैठे हैं, गलती से भी अच्छे से भजन में मत लगना। हाँ, अच्छे से भजन में मत लगना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। भगवान कहते हैं जब मैं कृपा करता हूं किसी पर तो सबसे पहले माया को छीन लेता हूं। लिए भक्ति में लगने वाला व्यक्ति केवल और केवल अपना आत्म कल्याण चाहता है, केवल आत्म कल्याण चाहता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं रहती, कोई अभिलाषा। मैं सच बताऊं, एक बार चिंतन करके देखना कि जो अभी आपके पास है, श्वास बंद होने के बाद वो कहां जाएगा, क्या होगा? चलो मान लो आप 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में रखे हो, रोज ऐसे लोग वो देखे हैं, बैंक की बही खाता, बैंक की बही खाता में लिखा होता है आपके खाते में कितना पैसा है ना, जाते हैं छपवाने के लिए तो उसमें लिखा होता है, उसमें खाता में लिखा होता है आपके उसमें बही में कि आपके खाता में इतना पैसा है। कुछ लोग तो रोज निकाल करके उसको देख करके रख देते हैं, फिर सवेरे उठ करके देखते हैं, निकाल के रख देते हैं, निकाल के देख कर रख दे रहे हो, मरने मरोगे क्या होगा वो? तो आप कहेंगे तो क्या हम लुटा दें सब? लुटाना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। कैसे बदलना है? जैसे यदि आप यहां से 1 लाख रुपए लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाइए और आप कहिए कि हम घूमना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आपको 2 थप्पड़ मार के और फ्लाइट में बैठा दिया जाएगा, वापस चले आएंगे। क्योंकि जो 1 लाख रुपया लेके जा रहे हो वहां वो नोट चलता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपया यहां से ले जा करके वहां डॉलर में उसको चेंज करना पड़ेगा, आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस देश में घूमना है आपको। उसको कन्वर्ट करके फिर आप उस देश में जाइए, खूब आराम से घूम करके फिर चले जाइए। वैसे ही आप धन जो कमाए हो वो यही रह जाएगा, उसको कन्वर्ट करो अपने साथ ले जाने के लिए। उसको कन्वर्ट करो कि आपके साथ वो किस रूप में जाए, तो किस रूप में जाएगा? वो आपके धर्म के रूप में जाएगा। आप खूब साधु सेवा करिए, खूब धर्म करिए, धार्मिक आयोजन करिए,
कथा श्रवण करिए, साधु सेवा करिए, भोजन कराइए, जाके वृंदावन वास करिए, कहीं कथा का आयोजन होता हो वहां कुछ सहयोग कर दीजिए, करिए, उसको कन्वर्ट करिए, और नहीं कुछ एक भी चवन्नी यहां से ले नहीं जा पाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे।